Hello and welcome back to my channel. NBA Christmas Day special video. NBA के लिए Christmas Day बहुत एक बड़ा celebration है. इस दिन जो बहुत ही कम franchise को match मिलता है, जो performance basis high profile team होता है उसी को match मिलता है. उनमें से Christmas Day special में 5 match हुआ. पहला match हुआ Madison Square Garden, the mecca of all sporting event. New York base है. New York Knicks versus Milwaukee Bucks ये match हार गया. New York Knicks ये match जीता 129-122. क्लास टाइम में फिनिश हुआ. परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर जेलन ब्रंसन 38 पॉइंट स्कोर किया, 6 असिस्ट एंड 4 रिबाउंड. इनक्रेडिबली टैलेंटेड प्लेयर, इतना कम हाइट होके यान जैसे प्लेयर के सामने स्कोर कर रहा है, इट्स इनक्रेडिबल. और बहुत बढ़िया हेल्प मिला आरजे बैरेट से, 21 पॉइंट स्कोर किया. तो नेक्स्ट मैच था नगेट बॉल एरिना में, डेनवर नगेट वर्सेस गोल्डन स्टेट वॉरियर. ये आई वॉचिंग था क्योंकि ये दोनों का टक्कर सबको पता है, एक अच्छा प्रतिद्वंदी मिल गया है दोनों को. जमाल मरी का क्लच फाइनेंस, ऑब्वियसली ये भी क्लच टाइम में फिनिश हुआ, टाई गया. लास्ट तक टो टू टो मैच चला, मैच हार गया गोल्डन स्टेट वॉरियर. लेकिन गोल्डन स्टेट वॉरियर के लिए बहुत बढ़िया एक चीज़ है कि विदाउट स्टेफन करी बाकी सब प्लेयर अच्छा खेला. क्ले थॉम्पसन का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, अच्छा नहीं कर पाया. लेकिन जोनाथन कमिंगा, ब्रैंडन प्रोजोस्की, ये दोनों प्लेयर, एंड्रू विगिन्स ऑफ द बेंच स्टार्ट किया, ये तीनों बहुत बेहतर खेला. स्पेशली एंड्रू विगिन्स का ये परफॉर्मेंस मेरे को बहुत इम्प्रूव मोटिवेट किया कि ये प्लेयर बेहतर है. पिछले साल उतना बेहतर लास्ट तक नहीं खेल पाया, लेकिन इस सीजन भी शुरू से बहुत डाउन चल रहा था. लेकिन अभी ये मैच देख के लग रहा था कि उसको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, वो पुराने फॉर्म में आ जाएगा. अरे मैच डेनवर नगेट का जीतने का रीजन है जमाल मरी का क्लच फिनिश. सबको पता है किस तरीके से फिनिश कर सकता है, उसका बॉल हैंडलिंग टैलेंटेड और थ्री पॉइंट शूटर का क्लच में सबको पता है. 28 पॉइंट स्कोर किया, 3 असिस्ट एंड 5 रिबाउंड के साथ. केसीपी का डिफेंस ऑन द पॉइंट, मेरे नाम मार्क ले लो, इस बार ऑल एनबीए डिफेंस टीम में केसीपी का नाम रहेगा ही रहेगा. जिस तरीके से हर मैच में कॉलवे पॉप डिफेंस कर रहा है, देखना केसीपी का डिफेंस ऑन द पॉइंट था स्टेफन करी के विरुद्ध. स्टेफन करी एकदम ना बंद रह गया, कर ही नहीं पाया, उसको स्पेस ही नहीं मिल रहा था थ्री पॉइंटर शूट करने के लिए. ओवरऑल भी बहुत पोअर शूटिंग एवरेज रहा स्टेफन करी का. उसके बाद नेक्स्ट मैच था क्रिप्टोडॉट एरिना, लेकर्स का होम गेम, और लेकर्स से मैच हार गया. लेकिन लेकर्स के लिए अच्छी बात यह है कि एडी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा, 40 पॉइंटर किया एडी. लेकिन एडी का सपोर्टिंग हैंड कुछ नहीं कर पाया, इंक्लूडिंग लेब्रॉन जेम्स का प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम रहा, इसलिए हारा लेकर्स. ऑन द अगेंस्ट सेल्टिक क्रिस्टोफ पोर्जिंगिस, सबको पता है बिग थिंग, थ्री पॉइंटर शूट कर सकता है, 7 फुट टॉल है, इंक्रेडिबल टैलेंटेड यूनिकॉर्न टाइप का प्लेयर, हर कुछ कर सकता है, जो बॉल हैंडलिंग से शुरू करके 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट हर पोजीशन में खेल सकता है. बहुत अच्छा स्कोर किया, 28 पॉइंट स्कोर किया, 2 असिस्ट एंड 11 रिबाउंड. डिफेंसिव एबिलिटी 2 ब्लॉक एंड 1 स्टील, सब कुछ सही है. लेकिन आप देखिए 8 of 2 थ्री पॉइंटर शूटर, मतलब थ्री पॉइंटर वो ऑन एवरेज से कम ही शूट किया, लेकिन फिर भी 28 पॉइंट, मतलब पक्का आपका लेकर्स टीम डिफेंस नहीं कर पाया. डिफेंसिक मेरे को लगता भी है कि डिफेंस एडी और लेब्रॉन जेम्स छोड़ के बाकी कोई डिफेंस नहीं कर पाता, हेल्प भी नहीं कर पाता लेकर्स का. तो लेकर को और रोस्टर इंप्रूव करना पड़ेगा, चांसेस तभी बढ़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट मैच था आपका मायामी हीट्स वर्सेस फिलाडेल्फिया सिक्सर्स 76ers. फिलाडेल्फिया 76ers विदाउट स्टार प्लेयर जोएल एम्बिड खेल रहा था, इसीलिए हारा. नहीं तो ये कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मायामी हीट का बेस्ट प्लेयर जिमी बटलर नहीं खेल रहा था और फिर भी जीत गया. रीजन ये है कि हकीम जाकेच जूनियर 31 पॉइंट क्रिएट किया, इनक्रेडिबल शूटर विद द हेल्प ऑफ बैम अबाबायो, उसका भी 26 पॉइंट एंड 15 रिबाउंड डबल डबल किया. बहुत बेहतर दोनों खेला, इसीलिए जीता. और लास्ट मैच ऑफ द इवनिंग था आपका फुटप्रिंट एरिना, सन्स का होम गेम, सन्स वर्सेस डैलस मैवरिक. डैलस मैवरिक का वंडर बॉय लुका मैजिक ने स्कोर किया 50 पॉइंटर, इनक्रेडिबल, जस्ट इनक्रेडिबल. सबसे अंडररेटेड प्लेयर है, लोग अप्रिसिएशन नहीं करता. उसने 10,000 करियर पॉइंट एनबीए करियर कोर में सबसे जल्दी सेकंड फास्टेस्ट रीच किया, ऑस्कर रॉबिन्सन के बाद उसी का नाम है कि बहुत ही जल्दी से 10,000 स्कोर किया, पॉइंट स्कोर किया विथ 2,500 रिबाउंड, 2,500 असिस्ट. तो इनक्रेडिबली एक स्टैट्स, टैलेंटेड स्टैट है. टैलेंटेड कितना प्लेयर है सबको पता है, अंडररेटेड इसीलिए बोल रहा हूँ कि अप्रिसिएशन नहीं मिलता. ही इज नाउ फॉर मी वन ऑफ द टॉप एमवीपी कैंडिडेट में होना चाहिए, उसका नाम डैलस मैवरिक में. काइरी इरविंग अभी चोटिल है, नहीं खेल पा रहा है, फिर भी उसके टीम को अब ऑन एवरेज ज्यादातर मैचेस जिता रहा है, ये बहुत बड़ी बात है. तो अंडररेटेड इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसको अप्रिसिएशन करना चाहिए. उसको ये रहा आपका क्रिसमस डे सेलिब्रेशन के 5 टीम का रिजल्ट. सब मैच टो टू टो को लाया, ऐसा मैच कोई भी नहीं था जो मैच आप लोगों को लगा कि एक तरफा मैच हुआ, सब टो टू टो मैच हुआ. होपफुली आप लोगों को ये मैच एंजॉय किए. इनमें से 2-3 मैच हिंदी में भी अवेलेबल था,
जियो के प्लेटफॉर्म में। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड इफ यू लाइक माई बास्केटबॉल कॉन्टेंट एंड NBA कॉन्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।